जिला किन्नौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा भी गांव में कोरोना महामारी ना फैले इसके लिए अपने अपने क्षेत्र में कोरोना के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव में बाहरी क्षेत्रों से आने वाले लोगों पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते ग्राम पंचायत पूर्वनी को सुरक्षित रखने हेतु गांव के मुख्य प्रवेश द्वार में बैरियर लगाने के निर्णय लिया है। ग्राम पंचायत प्रधान पूर्वनी जमुना अजान ने कहा कि गांव में आने वाली प्रत्येक वाहन का पंजीकरण किया जाएगा। इसमें गांव के प्रत्येक घर से लोग अपनी बारी के अनुसार बैरियर पर अपनी सेवा देंगे। उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की है कि कोरोना महामारी के चलते घरों में ही रहें, अति आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने सामाजिक दूरी रखते हुए मास्क और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें। कोरोना महामारी के चलते हुए हमने पूरे गांव वाले और पंचायत वाले मिल के यहाँ गेट के पास, मेन गेट के पास बैरियर लगाया। सभी गांव वालों को भी टर्न वाइज ड्यूटी में रखा है, चार चार आदमी एक दिन में, और आते जाते लोगों को भी रोका जा रहा है, साथ में सैनिटाइज किया जा रहा है, और आज से 31 तारीख तक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया है। गाड़ियों का आना जाना भी बंद कर दिया है। बाहर जो इमरजेंसी है, जो बीमार हो जाएंगे उन्हीं के लिए, वो भी अपना मतलब पंचायत वालों से परमिशन ले तभी बाहर जाएं। ड्यूटी वालों को अभी बंद कर दिया। ड्यूटी वाले भी बाहर जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, रात को वापस इधर नहीं आएंगे। एक दो दिन जो भी है 31 तक वो अपनी ड्यूटी जहाँ है वहीं पर रहेंगे। किन्नौर से सुरेंद्र चौहान की रिपोर्ट।